साल 1747 में जिस दिन दिल्ली को लूटने वाले ईरानी शासक नादिर शाह की मौत हुई, उसके अगले ही दिन एक ऐसा शासक अफगानिस्तान में सुल्तान बना जिसके हाथों दिल्ली की एक और लूट लिखी थी और साथ ही मराठों की सबसे भयानक हार भी। वो सिर्फ 25 साल की उम्र में सुल्तान बना था। नादिर शाह ने उसे कंधार की जेल से निकालकर अपना वफादार बनाया था। जब नादिर दिल्ली को लूट रहा था तब वो एक कमांडर की रैंक के साथ नादिर शाह की फौज में था। इस कमांडर का नाम था अहमद शाह अब्दाली। वही अहमद शाह जिसने 1757 में एक महीने तक दिल्ली में लूट मचाई थी और चार साल बाद 1761 में एक दिन में 1,00,000 लोगों को मारकर पानीपत की तीसरी लड़ाई जीती थी। पिछली वीडियो में मैंने आपको दिल्ली को लूटने वाले नादिर शाह की कहानी सुनाई थी और बताया था कि अपने आखिरी वक्त में उसने सबसे ज्यादा भरोसा अहमद शाह अब्दाली पर दिखाया था। आज के वीडियो में कहानी उसी पड़ाव से आगे बढ़ेगी और हम जानेंगे अब्दाली के बारे में, जिसे अफगानिस्तान का संस्थापक और हीरो माना जाता है और भारत का सबसे बड़ा विलेन। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि अपना इतिहास नहीं जानोगे तो खुद को कैसे पहचानोगे। अगर पिछली कहानी से शुरू करूं तो अपने आखिरी वक्त में नादिर शाह को लगा कि उसके अपने ही उसका कत्ल कर सकते हैं, इसलिए उसने अपने सबसे वफादार अब्दाली कबीले के सरदार अहमद शाह अब्दाली को अपनी सिक्योरिटी सौंप दी। लेकिन एक दिन जब अब्दाली कहीं बाहर था तो नादिर शाह को उसके एक सैनिक ने मौत के घाट उतार दिया। खबर मिलते ही अब्दाली का गुट उसके तंबू पहुंचा, लेकिन तब तक नादिर की मौत हो चुकी थी। उसकी मौत से दुखी अब्दाली ने नादिर शाह की उंगली से शाही मुहर और कोहिनूर हीरे को हटा दिया जो कि उसके बाजू में बंधा होता था। इसके बाद वो कंधार गया। कंधार में अब्दालियों ने एक सुर में अहमद शाह को अपना नेता मान लिया। इसके पीछे नादिर शाह की वो घोषणा थी जिसने अब्दाली को अपने कबीले में बहुत इज्जत दिलाई थी। दरअसल नादिर शाह ने मौत से पहले कहा था कि मैंने तूरान, ईरान या हिंद में कोई भी ऐसा शख्स नहीं देखा जो काबिलियत और जुनून के मामले में अहमद शाह अब्दाली की बराबरी कर सके। इसीलिए अफगान कबीलों की पारंपरिक पंचायत जिसे जिरगा कहा जाता था, उन्होंने अब्दाली को अपना शाह मान लिया। ताजपोशी के वक्त साबिर शाह नाम के एक सूफी दरवेश ने अब्दाली को दुर्रे दुर्रानी का खिताब दिया था, जिसका मतलब होता है मोतियों का मोती। इसके बाद से अहमद शाह अब्दाली और उसके कबीले को दुर्रानी के नाम से जाना जाने लगा। लेकिन यह कहानी तो अब्दाली के सुल्तान बनने की है। सवाल यह है कि अब्दाली था कौन और वो नादिर शाह का इतना खास बना कैसे? देखिए, अब्दाली का जन्म साल 1722 में हुआ था। उनके पिता मोहम्मद जमान खान हेरात के शासक और अब्दाली कबीले के मुखिया थे। अब्दाली के जन्म के ही आसपास उनकी मौत हो गई, तब जमान खान की जगह ली जुल्फिकार ने, जो कि अब्दाली का भाई था। जून 1729 में जब अब्दाली सिर्फ 7 साल का था, तब जुल्फिकार ने फारसी राजा नादिर शाह के सामने सरेंडर कर दिया। हालांकि जुलाई 1730 में नादिर शाह के भाई इब्राहिम खान को हराकर मशहद को उन्होंने दोबारा जीत लिया। अगले साल यानी कि 1731 में इब्राहिम ने फराह पर हमला करके उसे जीत लिया। इस हमले में जुल्फिकार और अहमद शाह दोनों भाई कंधार भाग गए। यहाँ एक गिलजी कबीला था जिसने इन्हें शरण दी। हालांकि इसके बाद गिलजी शासक हुसैन होतक ने इन दोनों को बंदी बना लिया। इसी टाइम पर कहानी में एंट्री होती है नादिर शाह की। वो साल 1729 से ही अब्दालियों को उनकी बहादुरी की वजह से अपनी सेना में भर्ती कर रहा था। इसलिए जब उसने 1738 में कंधार को जीता तो उसने अहमद शाह और उसके भाई जुल्फिकार को आज़ाद कर दिया। जुल्फिकार को उसने मांजदरान का गवर्नर बनाया और अहमद शाह को अपना पर्सनल सहायक। उसे अब्दाली रेजिमेंट की 4,000 सैनिकों और कमांडरों की घुड़सवार सेना का लीडर बनाया गया। जब 1738 में मुगल साम्राज्य पर हमला हुआ तो अब्दाली की रेजिमेंट वहां पर शामिल थी। नादिर शाह उस समय अब्दाली से इतना इंप्रेस था कि कहा जाता है कि उसने दिल्ली की लूट के वक्त ही अहमद शाह को कहा था कि याद रखो अब्दाली कि मेरे बाद राजगद्दी तुम्हारे ही पास जाएगी। फिर आगे चलकर वही हुआ जो मैंने सबसे पहले बताया था। नादिर शाह की मौत के बाद अब्दाली सुल्तान बना। सुल्तान बनने के बाद दुर्रानी या अब्दाली ने भी नादिर शाह की तरह ही अपनी सीमा बढ़ानी शुरू की। सबसे पहले दुर्रानी ने कलात के गिलजियों को हराया और गजनी में अपना गवर्नर बिठाया। फिर उसने भारत की तरफ हमला करने की प्लानिंग की। उस दौर में मुगलों का राज काबुल और पेशावर तक हुआ करता था। अब्दाली ने मुगल गवर्नर नासिर खान को हराकर पेशावर और काबुल तक के एरिया को जीत लिया। फिर 1750 में हेरात और 1751 में बल्ख और बदख्शां को जीत लिया। ये दोनों जगहें आज अफगानिस्तान में पड़ती हैं। इसी टाइम पर वो दिल्ली की ओर भी बढ़ा। कहा जाता है कि साल 1748 से 1767 तक अहमद ने हिंदुस्तान पर कुल 8 बार अटैक किया।
इस दौरान 1748 में उसने सिंधु को पार करके लाहौर को लूटा, फिर 1749 में लाहौर और पंजाब के आसपास के एरिया पर कब्जा किया। अब्दाली ने नादिर शाह के टाइम पर दिल्ली की अथाह दौलत देखी थी, इसीलिए 1750 में उसने पंजाब को जीतकर अगले साल 1751 में सरहिंद और कश्मीर को कब्जे में ले लिया। फिर चौथी बार जब वो आया तो सीधे दिल्ली तक पहुंच गया। उस समय मुगल बादशाह आलमगीर द्वितीय दिल्ली की गद्दी पर था। आलमगीर कमजोर और डरपोक बादशाह था। अब्दाली से डरकर उसने एक अपमानजनक संधि की, जिसमें एक शर्त यह भी थी कि अब्दाली दिल्ली को लूटेगा। इस शर्त के हिसाब से अहमद शाह ने एक महीने तक दिल्ली को ऐसे लूटा कि पंजाबी में कहावत मशहूर हो गई, खादा पिता लाहेदा रहंदा अहमद शाहेदा, यानी जो खा लिया और पी लिया और जो तन को लग गया वो अपना है, बाकी तो अहमद शाह ही लूट कर ले जाएगा। इसके बाद अहमद ने जो आखिरी हमला भारत पर किया वो साल 1761 में था, जिसे हम पानीपत की लड़ाई के नाम से जानते हैं। इस लड़ाई में अहमद की सेना ने मराठों की ताकत को लगभग खत्म कर दिया। कहा जाता है कि एक दिन में इस लड़ाई में 100,000 से भी ज्यादा लोग मारे गए थे। पानीपत की तीसरी लड़ाई पर मैंने एक डिटेल में वीडियो बनाया है, जिसे आप लिंक पर जाकर क्लिक करके देख सकते हैं, मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा। फिलहाल हम कहानी में आगे बढ़े तो इस हमले के बाद से नादिर शाह की तरह उसका भी आखिरी समय शुरू हो गया। साल 1768 में अहमद शाह अब्दाली को घुड़सवारी करते समय चोट लगी। ये चोट कभी ठीक नहीं हो पाई और कहा जाता है कि नाक की इस चोट ने उसके दिमाग पर असर किया और 4 साल बाद आखिर में 1772 में उसकी मौत हो गई। उसकी मौत के बाद उसके वंशज दुर्रानी वंश को बहुत दिनों तक चला नहीं पाए और आखिर में दुर्रानी का ये साम्राज्य भी खत्म हो गया। लेकिन अहमद शाह ने अफगानों को जो जगह दिलाई उससे अफगानिस्तान नाम के देश की नींव पड़ी। इसीलिए आज भी अफगानिस्तान में उन्हें राष्ट्रपिता की तरह देखा जाता है, जो कि जन्मजात नेता था जिसने पूरे अफगानिस्तान को आज़ाद करके एकजुट किया और खुद मुख्तार मुल्क बनाया। इसीलिए आम अफगान अब्दाली को अहमद शाह, शाह बाबा, अहमद शाह महान कहते हैं। वहीं अगर हम देखें तो इंडियंस के लिए नादिर शाह एक विलेन से कम नहीं था, जिसने दिल्ली को लूटा, पानीपत की लड़ाई में महिलाओं और बच्चों को पकड़कर बेच दिया, जिसने हजारों मराठों को अपनी जमजमा तोप के मुंह पर रखकर उड़ा दिया। जाहिर है कि इसीलिए पाकिस्तान भी भारत को चिढ़ाने के लिए अपनी मिसाइलों के नाम अब्दाली के नाम पर रखता है। तो दोस्तों, ये थी कहानी अहमद शाह अब्दाली की, जो कि अफगानिस्तान के राष्ट्रपिता हैं और हमारे देश के लिए एक विलेन। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और ऐसी तमाम इंटरेस्टिंग कहानियों के लिए हिस्ट्री कनेक्ट को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।